इस पूरी व्यवस्था को कहते हैं प्रोसीजर रिलेटिंग टू फाइनेंशियल मैटर्स। इसमें एक आर्टिकल है जिसका नाम है 112। ये जो आपका अनुच्छेद है ये कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। हर कंपनी के अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होते हैं, रेवेन्यू के स्टेटमेंट होते हैं, कैपिटल के स्टेटमेंट होते हैं। जिसने कॉमर्स पढ़ा होगा इस चीज को थोड़ा बहुत जानता होगा। वैसे ही हर देश का एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसको बजट के नाम से जानते हैं। हमारे यहां बजट एज सच कोई शब्द अर्थशास्त्र पूरे के पूरे संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है। इसके लिए हम जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं या जिस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा, आप उसको ये समझ लेते हैं, ठीक है। और ये जिम्मेदारी किसकी है? इट इज वेस्टेड ऑन वो ऑन हूम? नो, प्रेसिडेंट। आप ठीक से पढ़िएगा उस पूरे एक्ट को, वहां प्रेसिडेंट का नाम लिखा है। बट प्रेसिडेंट हर काम नहीं करता ना, प्रेसिडेंट के नाम पर काम होता है। काम कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर करता है। अब बात आती है कि बजट तैयार कैसे होता है। आ गया, क्या बोल रहे? अच्छा मैं दे दूं आपको, ले लो यार, चश्मा टूट जाएगा। सर आप स्क्रीन शेयर करवा दीजिए, उससे बहुत ही सब लाइव कनेक्ट हो जाए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप आई होप, मुझे लगता है आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होंगी। सभी महाविद्यालय से उपस्थित अभ्यर्थी मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, थोड़ी देरी हो गई कि क्लास को लाइव करने में थोड़ा समय लग गया। जैसा कि आप सभी को ग्रुप में सूचना कर दी गई थी कि जो हमारी कोचिंग है विकास अमर सम्मान, उसका औपचारिक रूप से शुभारम्भ आप सभी को पता है कि 22 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद कल हमने आपको सूचना करी थी कि आज क्या होगा कि यह पहल माननीय कलेक्टर सर के द्वारा की गई है। उन्होंने आपके सभी विकास खंड के सभी कॉलेजों में लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सभी जगह पैनल या पूरा सेटअप लगवाया है। तो आज से लाइव स्ट्रीमिंग की शुभारंभ होगी, विधिवत शुभारंभ आज आदरणीय कलेक्टर सर के हाथों से होगा। वो ये सूचना आप सभी को ग्रुप में मिल भी गई होगी। तो जब तक सर ना आए, अभी जो हमारे राजेश गौतम सर हैं वो सर आपको बजट पढ़ाएंगे, तो आप लोग लाइव बने रहिएगा। जैसे सर आ जाएंगे हम आपको सर की क्लास होते ही, सर के आते हम नई लिंक आप लोगों को शेयर कर देंगे। तो आप लोग क्लास में बने रहिए, सर आपको बजट पढ़ा रहे हैं, बजट के बारे में आप लोग ध्यान से पढ़िए, सभी जुड़े रहिए और सर के आते हम आपको सूचना कर देंगे। हो सकता है कि समय थोड़ा देरी हो जाए, सर के आने का समय 8:30-9 बजे, जितने भी बजे सर आ पाए, और क्लास का समय 10:30 तक हो जाए, लेकिन आप लोग सभी बने रहिएगा। सभी महाविद्यालयों से विद्यार्थी सभी बने रहिएगा। कोई भी इशू अगर आपको आता है, कोई प्रश्न आप लोगों सर से पूछना चाहे तो आप लाइव चैट में कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी कमेंट आप उसमें मत करिएगा। साथ ही आप अपने नोडल अधिकारी से बोलकर आप अपने ग्रुप में कोई भी प्रश्न शेयर कर सकते हो, कोई भी इशू अगर आपको आ रहा हो, ठीक है। तो मैं क्लास राजेश सर को हैंड ओवर करता हूँ, आप लोग सर की क्लास लीजिए। जी सर, ओके, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, देखिए की फीचर्स ऑफ बजट 2023-24। बजट भी ठीक है, कौन सा आर्टिकल है ये भी ठीक है, पर बजट में होता क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बजट में हैं, या हम बजट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कौन कौन से मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। देखिए बजट जो है उसमें बेसिकली तीन चीजों पर फोकस है, तीन चीजों पर ही ज्यादा बात की जाती है। पहला,
पैसा हम कितना कमाने वाले हैं, हमारा कमाया हुआ पैसा कहां खर्च होने वाला है, और तीसरा हमारा फोकस या गवर्नमेंट का फोकस किस सेक्टर पर होगा। ये तीन चीजें हैं। रुपी कहां से आएगा, रुपी कहां जाएगा, और किन किन सेक्टर्स पर हमारा फोकस होगा। ये तीन बिंदु सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन्हीं पर पूरा का पूरा बजट घूमता है। बात समझ में आ गई। हमने आर्टिकल 112 की बात की कि एक फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। अब बात करते हैं कि भाई बजट की प्रोसेस क्या है, बजट बनता कैसे है। यह बहुत से लोगों को कम पता को पता नहीं है कि बजट की भी एक पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, और यह प्रोसेस ऐसा नहीं है कि बजट फरवरी में आ रहा है या मार्च में आ रहा है तो जनवरी में वो तैयार हो गया होगा, या ऐसा नहीं। बजट बनाने की पूरी एक प्रोसेस होती है जो बेसिकली अगस्त में शुरू होती है। लेट्स अज्यूम कि 2023-24 का बजट हमको तैयार करना है। अब 23-24 का बजट तैयार करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट एक सर्कुलर इशू करती है सारी मिनिस्ट्रीज को। कौन सी मिनिस्ट्री करती है सर्कुलर इशू? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सर्कुलर इशू करती है, और उस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी एक डिवीजन होता है, एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में एक डिवीजन होता है, 18 से ज्यादा डिवीजन्स है इकोनॉमिक अफेयर्स में। इस डिवीजन में बजट का जो डिवीजन है इसके माध्यम से एक सर्कुलर इशू होगा और सभी को होगा, सारी मिनिस्ट्रीज को होगा। ये जब सारी मिनिस्ट्रीज को जाता है तो ये कहा जाता है कि आप हमको एक बात बताइए कि आप अगले साल तक कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, आपके प्रोजेक्ट्स में कितना पैसा खर्च होने वाला है, इसका एस्टिमेशन हमको दीजिए। अब ये सर्कुलर चला गया मिनिस्ट्रीज को, डिफेंस को चला गया, स्पोर्ट्स को चला गया, यूथ को चला गया, स्टैटिस्टिक्स को चला गया, और जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं सारी मिनिस्ट्रीज को ये चीजें चली गई। अब मिनिस्ट्री का काम शुरू होता है। अब मिनिस्ट्री क्या करेगी? जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो ये देखेगी कि भाई अप्रैल से लेकर के अगस्त तक हमने जितना खर्चा किया है उसको जोड़कर एक एक्सपेक्टेड अमाउंट की या एस्टिमेटेड अमाउंट ये देखेगी कि पिछले अब आने वाले 8 महीनों के लिए, अगस्त मई जून जुलाई, ये 4 महीने में कितना खर्च किया वो, और उसके बाद बचे हुए 8 महीनों में हम कितना खर्च करेंगे, इन सबका एस्टिमेट निकाल करके ये वापस किसको दे देती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। यहां पर मिनिस्ट्रीज का काम खत्म हो गया, डिपार्टमेंट्स का काम खत्म हो गया। अब ये जो एस्टिमेट्स हैं ये कहां जाते हैं? सीनियर ऑफिशियल्स के पास जाते हैं। कौन से सीनियर ऑफिशियल्स? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो सीनियर ऑफिसर्स या अधिकारी होते हैं उनके पास जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये काम कौन सा बड़ा काम है, ये तो 1 महीने में हो जाएगा, बहुत हुआ तो 2 महीने में हो जाएगा, बजट तो 2 महीने में तैयार होता है। ऐसा नहीं है। हमारे देश में बजट जब तैयार होता है तो उसके बहुत से स्टेक होल्डर्स होते हैं, बहुत सी पार्टीज होती है, उनसे डिस्कशन किया जाता है। वो डिस्कशन, अब वो पार्टीज कौन कौन सी है? वो पार्टीज हैं आपकी बिजनेस फर्म्स, उसके साथ साथ में आपकी जो यूनियन ट्रेड यूनियंस जो होती हैं वो, उसके अलावा फार्मर यूनियन। क्योंकि देखिए बजट हम केवल मिनिस्ट्री के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, बजट हम किसके लिए तैयार कर रहे हैं? देश की जनता के लिए तैयार करते हैं, देश के लिए तैयार करते हैं। और अगर देश की जनता ही उसका पार्ट नहीं बनी तो फिर बजट का कोई अर्थ नहीं रह जाता।
इसीलिए सबको इंक्लूड करना, एक समावेशी बजट बनाना किसी भी सरकार का पहला मोटिव होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये सारे इफ एंड बट्स कंप्लीट करते 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 आखिरकार बजट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो हमारी मिनिस्टर है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, क्या नाम है उनका बताओ? और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, अब ये दोनों डिस्कशन करते हैं। इन दोनों के डिस्कशन के बाद फाइनल अप्रूवल मिलता है और फाइनल अप्रूवल होने के बाद डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है। अब क्या होता है, अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। जब फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है तो हलवा बनता है। आपको ये चीज पता नहीं होगी, जब बजट का डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हलवा बनाया जाता है मीठे के तौर पर, और वो सारे ऑफिशियल्स को बांटा जाता है। अब इसके बाद की कहानी क्या है, अब हम आ जाते हैं कहां पर, 1 फरवरी का। 1 फरवरी के पहले क्या होता है ये समझते हैं। 1 फरवरी के पहले 31 जनवरी के दिन हम पिछले 12 महीनों की इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में पिछले 12 महीनों में क्या हुआ, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे। प्लीज लुक एट हियर, इधर देखो, पिछले 12 महीनों में हमारी देश की अर्थव्यवस्था कहां पहुंची, हमारा डॉलर कहां पहुंचा, हमारा विदेशी एक्सचेंज कहां पहुंचा, ये सारी चीजों को कौन बताता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये किसके अंडर होता है, अंडर द सुपरविजन ऑफ सीईए। सीईए कौन है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरन, ना याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये कुछ पूरी की पूरी स्टेप आप लोगों को समझ में, अब लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत होने के पहले तक उस वक्त का भारत का सबसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट माना जाता है। और एक आपको मजे की बात बताऊं, बजट डिवीजन को उस एक दिन के लिए लॉक कर दिया जाता है और उसके अंदर जितने लोग होते हैं वहीं पे होते हैं, उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती। उन्हें बाहर तभी निकाला जाता है जब तक कि बजट प्रेजेंट ना हो जाए। ऐसा क्यों करते हैं, इतना कॉन्फिडेंशियल क्यों है बजट, इतना कॉन्फिडेंशियल क्यों हो जाता है, कोई बता सकता है? 1 फरवरी को प्रस्तुत होने से पहले बजट इतना कॉन्फिडेंशियल क्यों हो जाता है? अगर हमें आपको यह पता चल जाए कि बजट में किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने वाला है, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम होने वाला है, तो क्या होगा, क्या यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है? यह बिल्कुल अच्छा नहीं। सारा शेयर मार्केट क्या होगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, है ना। कंडीशन यह भी आ सकती है कि बाकी शेयर्स को कोई खरीदेगा ही नहीं, केवल लोग उन्हीं शेयर्स को खरीदेंगे जिसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसे इतना कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है कि बजट बनाने वालों तक को उस एक दिन के लिए कहां रखा जाता है, बजट डिवीजन के अंदर। जब पूरा बजट तैयार हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है, उसी के बाद वो ताला खोला जाता है। बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि बजट में होता क्या है। देखिए, बजट के दो पार्ट हैं, लिखते जाइए इसको, बजट के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है अनाउंसमेंट और दूसरा जो पार्ट है वो पार्ट है अकाउंट्स, है ना। पहला पार्ट क्या है, अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट मतलब कि घोषणा। अनाउंसमेंट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल अनाउंसमेंट और एक होता है पर्टिकुलर अनाउंसमेंट, या जिसको स्पेसिफिक अनाउंसमेंट कहते हैं। अब
जनरल अनाउंसमेंट क्या है? जनरल अनाउंसमेंट का मतलब हम 2030 तक ये करेंगे, हम 2035 तक ये करेंगे, ये जनरल अनाउंसमेंट है। और जो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक अनाउंसमेंट है वो बेसिकली होती है योजनाओं से संबंधित। जैसे कोई सरकार ने कोई एक योजना ला दी, अन्नपूर्णा योजना ला दी या कुछ भी ला दी, ये स्पेसिफिक अनाउंसमेंट होते हैं। एक अनाउंसमेंट का सेक्टर है। और ये जो अनाउंसमेंट का जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ये 90 मिनट की निर्मला सीतारमण मैडम की स्पीच में आपको दिखता है, ये अनाउंसमेंट हमने कर दिया है। अब दूसरा हिस्सा आता है अकाउंट्स का। अकाउंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? देखिए, अकाउंट्स मतलब लेखा, और अकाउंट्स बेसिकली दो ही तरीके के यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे। एक रेवेन्यू बजट का अकाउंट है, रिसीट बजट का अकाउंट है, और एक एक्सपेंडिचर का अकाउंट है। एक तीसरा अकाउंट भी है, वो है आपका क्या, डेट का अकाउंट, कि हम उधार कहां से लेंगे। क्योंकि हमारे देश में एक बात याद रखिएगा, हम डिफिसिट बजट को ही तैयार करते हैं और वो हमारी मजबूरी है। डिफिसिट बजट हम इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि हमारी आमदनी जितनी नहीं है उससे कहीं ज्यादा हमारा खर्चा है या नहीं है। कल मैं वही OECD की पूरी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में मैंने देखा अमेरिका की 80% जनसंख्या डायरेक्ट टैक्स देती है, 80% जनसंख्या। चाइना की 15% जनसंख्या डायरेक्ट टैक्स देती है, हमारे यहां की केवल 2% जनसंख्या डायरेक्ट टैक्स देती है। अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं तो फिर हमारे यहां पर आवक या आगम या इनकम कितनी होगी? बहुत कम होगी। इसीलिए हम जैसे देश में जो ज्यादा रिलायंस होता है या ज्यादा जो चीजें होती है वो कहां पर जाती है? बोरोइंग पर जाती है, कि हम बोरो करेंगे, लैंडिंग करेंगे। लैंडिंग नहीं कर सकते तो हम बोरो करेंगे, लैंडिंग करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। जो सबसे पहला हेड हमने आपको बताया रिवेन्यू का, कि पैसा आएगा कहां से, रिसीट कहां से आएगी, टोटल रेवेन्यू कहां से आएगा। तो जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू भी दो तरीके से आता है। पहला, एक रेवेन्यू रिसीट हो गई, जिसमें कौन कौन सी रिसीप्ट होती है, टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स। कुछ पैसा कर से आएगा, अब कर भी दो प्रकार के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में हमने इनकम टैक्स ले लिया और भी सारी चीजें ले ली हमने। दूसरी चीज अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर में क्या क्या होगा, GST हो गया है ना, शराब पर एक्साइज ड्यूटी, शराब की सेल पर जो हम टैक्स देते हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट्स का हिस्सा है ना, हमने स्टेट लिस्ट और वो सेंट्रल लिस्ट पढ़ी कि नहीं पढ़ी, है ना। फिर पेट्रोलियम पर, क्रूड ऑयल पर, पेट्रोल पर, डीजल पर, तंबाकू पर, इन प्रोडक्ट्स के एक्साइज, इन प्रोडक्ट के एक्साइज ड्यूटी जाती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट इन पे सेल जो होता है, ये सेल का पैसा किसको जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट कभी अपने सेल को टच नहीं करने देती, उसका रीजन साफ साफ है, उनके पास पैसा ही नहीं है, तो बेचारी करेगी क्या, उसको ये करना पड़ता है। यहां तक समझ में आ गई? अच्छा, कुछ जो पैसा आता है सरकार के पास वो वन टाइम पैसा आता है, जैसे आपने बोरोइंग करी ना, उधार लिया, क्या बार बार उधार देगी क्या IMF? एक बार उधार देगी आप। ग्रांट बार बार मिलेगा क्या? नहीं, एक बार मिलेगा। ये है आपका कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंड, जिसको कैपिटल के रिसीट के नाम से जाना जाता है। ये भी क्लियर हो गया। अब जो दूसरा हेड है वो है एक्सपेंडिचर का हेड। हमारे यहां एक्सपेंडिचर का हेड जो है ये सबसे प्रॉब्लमेटिक है। हम एक्सपेंडिचर करें तो कहां करें? सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, और अभी आजकल इस बजट में मैंने दो तीन चीजें देखी, मनरेगा पर जो पैसा जाता था उसको भी कम कर दिया सरकार ने,
सब्सिडीज के ऊपर भी सरकार की नजर जरा टेढ़ी सी हो गई है, खासकर फर्टिलाइजर सब्सिडी और ये जो फूड सब्सिडी है इन पर भी। क्योंकि आप एक बात देखिएगा, समझिएगा इस चीज को, जैसे हम फूड सब्सिडी की बात करते हैं, हालांकि गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि हम फूड सब्सिडी बिल्कुल बंद कर देंगे, कम जरूर कर रही है। फूड सब्सिडी को कम करने के पीछे का जो बेसिक लॉजिक है वो ये है, ये रिकरिंग टाइप के एक्सपेंडिचर है, ये बार बार होने वाले एक्सपेंडिचर है, और इनसे कोई ना तो क्रिएट हो रहा है एसेट, ना तो लाइबिलिटी कोई रिड्यूस हो रही है, हम कोई पूंजी तो बना नहीं रहे इससे। गवर्नमेंट यदि आपको सैलरी दे रही है तो क्या इससे कोई एसेट क्रिएट हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यदि कर रही है तो उससे एसेट क्रिएट होना चाहिए। अब गवर्नमेंट इस मूड पर आ गई है, गवर्नमेंट कहती है कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं, कापेक्स को बढ़ाएं, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का शॉर्ट है कापेक्स, कापेक्स को बढ़ाइए। तो बहुत सी सब्सिडीज के ऊपर इस बार गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि उसको हम कम करने की कोशिश करें। चलिए हम अब आते हैं किस पर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। देखिए फैक्ट एंड फिगर्स तो आपको इस पे मिल जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गवर्नमेंट जो भी चीज करती है उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है। तो वो लॉजिक क्या है, इसका पूरा एनालिसिस क्या है, इस बजट के एनालिसिस को समझते हैं। इस बार गवर्नमेंट ने तीन सेक्टर्स पर या तीन बातों पर सबसे ज्यादा फोकस किया है इस बार के बजट के अंदर। पहला जो है वो है विमेन, क्या विमेन, विमेन वोट्स। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार कहा था विमेन वोट्स आर द साइलेंट वोट्स, ये साइलेंट वोट है, दिस इज द सपोर्ट बेस, ये सपोर्ट बेस है, साइलेंट सपोर्ट बेस है, आपको इसको टारगेट करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, बजट इज नॉट ओनली द डॉक्यूमेंट विच डील्स विद द फाइनेंशियल मैटर्स, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच ऑल्सो एनकंपासेस द पॉलिटिकल इंटरेस्ट। दूसरा उन्होंने बोला कि हम ट्राइबल बेस को या ट्राइबल सपोर्ट को भी, सपोर्ट बेस को भी फेवर करेंगे। उसका रीजन बड़ा साफ साफ है, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है, राजस्थान में चुनाव होने वाला है। अब आप यहां की डेमोग्राफी को देखते हैं तो वहां पर आप देखेंगे हमारे यहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन लगभग 21 से 22 प्रतिशत की है, और 47 सीटें ऐसी हैं जो कि ट्राइबल के लिए रिजर्व हैं। छत्तीसगढ़ में इससे भी ज्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल्स की है। इसके अलावा राजस्थान में लगभग 13% 13 से 14% पॉपुलेशन ट्राइबल्स की है। ट्राइबल को कैसे एनसर्किल किया जाए, ट्राइबल को कैसे टारगेट किया जाए, ट्राइबल वोट्स को कैसे टारगेट किया जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा, रहा इस बार के बजट का। अब आती है बात यूथ की, व्हाई यूथ इज इंपॉर्टेंट। हमारा देश सबसे जवान देश है या नहीं है, है ना? अगर हमने इसको टारगेट कर लिया, इस सपोर्ट बेस को टारगेट कर लिया, तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी। ये कुछ पॉइंट थे जो इस बार की बजट के पॉलिटिकल इंसेंटिवाइजेशन का काम कर रहे थे। अब हम आते हैं बात टैक्स पर। टैक्स 7 लाख तक का, लेकिन उसमें कोई भी रिबेट नहीं है बचत की, ऐसा क्यों? अगर आप 7 लाख से कम कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड उसमें एक क्लॉज है कि आप किसी भी प्रकार के बचत का फायदा नहीं ले सकते। 80C जो इनकम टैक्स रिबेट के लिए होता था वो आप नहीं लेंगे। अब लेने की क्या जरूरत है यार, जब 7 लाख पर टैक्स ही नहीं लग रहा तो लेने की क्या जरूरत है, कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों किया सरकार ने, कोई बता सकता है ऐसा क्यों किया सरकार ने?
सरकार क्या चाह रही है? हाँ जी, और सोचिए क्या क्या करना चाहती है सरकार। 7 लाख रुपए से अगर ज्यादा इनकम है तो फिर आपके साथ टैक्स देने की लायबिलिटी बन जाती है, बट उसमें भी एक चीज है, वहां भी आपको एटीसी का फायदा नहीं मिलेगा कुछ क्लॉजेस को छोड़ दिया जाए तो। अब जैसे हैंडीकैप का क्लॉज है या पैरेंट क्लॉज है, तो यहां पर आपको मिल सकती है छूट, प्रोवाइडेड इसके अलावा एलआईसी में आप पैसा दे रहे हैं। हाँ, वो पहले दिया करते थे एटीसी में टैक्स से बचने के लिए, 1.5 लाख तक की लिमिट हुआ करती थी, अब उसमें नहीं मिलेगा आपको। 7 लाख में ये सारी चीजें हैं, 7 लाख के नीचे है तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। ऐसा गवर्नमेंट कर क्यों रही है? देखिए इसका सीधा सीधा सा मतलब है, अर्थशास्त्र में एक बहुत बड़े एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था लॉर्ड जॉन मेनार्ड कीन्स, इंग्लैंड के रहने वाले थे और 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों में से एक, मैं यह कहूंगा सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री वही थे, क्योंकि इस दुनिया को डिप्रेशन से निकालने वाले, इस पूरी 1930 में एक इतनी बड़ी महामंदी आई थी कि पूरी दुनिया के बड़े देश उसके अंदर आ गए और डूब गए। 1933 में अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट की ग्रेट थी 25%, हर देश त्राहिमाम करने लगा था कि कैसे कैसे इस कठिनाई से बाहर निकला जाए। तब कीन्स ने एक किताब लिखी, द जनरल थ्योरी, इसको लिखिएगा थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये चीज कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आएगी नहीं आएगी मैं नहीं जानता, लेकिन ये बेस जरूर तैयार करती है कि भाई ऐसा क्यों कहा जा रहा है। कीन्स ने कहा कि यदि आप बहुत ज्यादा बचत पर फोकस करेंगे तो उसका हाल ये होगा, क्योंकि बचत पूरे राष्ट्रीय इनकम के सर्कुलर फ्लो का लीकेज है। आप बचत तो कर लोगे, इंडिविजुअल लेवल पर बचत ठीक है, पर राष्ट्रीय स्तर पर आप बचत अगर बहुत ज्यादा करोगे तो वो दिक्कत का काम है, वो सर्कुलेशन में पैसा नहीं आता। इस चीज को ध्यान में रखते हुए भी गवर्नमेंट ये सोचती है कि यदि हमने एक्सपेंडिचर पर ज्यादा फोकस कर दिया, यदि आपकी जनता ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है ना। और प्रोडक्शन बढ़ेगा का मतलब क्या है, जीडीपी, क्योंकि जीडीपी क्या है, जीडीपी इज द मेजर हु जीडीपी इट इज अ मेजर विच एक्चुअली मेजर्स द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, आपके देश की प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की क्षमता, उत्पादन करने की क्षमता का मात्रक ही कोई और नहीं जीडीपी है। तो जीडीपी उससे क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। इसीलिए भी हमारे यहां पर 7 लाख तक के रिबेट को, 7 लाख तक की इनकम वालों को यह कह दिया कि अब आप कोई टैक्स ना दें, छोड़ दीजिए टैक्स। इसका एक पॉलिटिकल इंसेंटिव भी है, इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, मिडिल क्लास को टारगेट करना। 2024 में चुनाव है, आपको सभी पता है, मिडिल क्लास को टारगेट करना जरूरी था। और मिडिल क्लास को टारगेट कैसे किया जा सकता है, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या यही कि टैक्स देना पड़ता है, टैक्स से बचाओ इनको, सेविंग बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन इससे एक नुकसान हुआ, वो नुकसान क्या हुआ और किसको हुआ, वो नुकसान हुआ एलआईसी जैसी संस्थानों को। जब आप सेविंग करोगे नहीं, एलआईसी खरीदोगे नहीं, तो एलआईसी के पास पैसा कहां से आएगा, इससे एक नुकसान भी हुआ। हालांकि यह अलग बात है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां पर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, बजट डिवीजन, कौन तैयार करता है, बजट डिवीजन। ओह,
अब आगे चलते हैं। सप्तऋषि विजन फॉर अमृतकाल, अमृतकाल की बात करते हैं। अमृतकाल में क्या चीजें हैं? अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन द यूथ। मैंने क्या कहा? यूथ को टारगेट करना जरूरी है। देखो, इस हर चीज का कोई एक एंगल नहीं होता, जैसे एक शब्द का कोई एक अर्थ नहीं होता, वैसे किसी एक लिखी हुई चीज का कोई एक अर्थ नहीं होता। और एक बात याद रखिएगा, देयर इज नो मीनिंग ऑफ टेक्स्ट विदाउट कंटेक्स्ट। यहां कंटेक्स्ट 1, 2, 3, 4 बहुत से हैं। यूथ को टारगेट करिए, जॉब क्रिएशन लाइए, स्ट्रांग एंड स्टेबिलिटी, स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट। अब ये मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट क्या है? जीडीपी क्या चल रही है? आपका टैक्स जीडीपी रेशो क्या है? डेट जीडीपी रेशो क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है सरकार? कितना लोग बचा रहे हैं? ये सारी चीजें आपका मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट को बनाता है। और हमें कैसा इकोनॉमिक एनवायरमेंट चाहिए? इन्फ्लेशन भी इसके अंदर आ जाएगा, इन्फ्लेशन स्टेबल होना चाहिए। इस बार आपने देखा कि 5.7 के करीब करीब पिछले साल इन्फ्लेशन था। हालांकि इस बार कुछ अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ठीक है ना। और इन्फ्लेशन बढ़ने की केवल एक या दो ही वजह है, जिसमें सबसे मुख्य वजह मैंने आपको बताया, यूक्रेन और रशिया का युद्ध। अगर यूक्रेन और रशिया लड़ते रहे तो उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी देश की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ना लाजमी है। उसका कारण यह है, क्योंकि आपका जो पैसा है, आपका पैसा कहां जा रहा है? डॉलर खरीदने में। और डॉलर कहां जा रहा है? क्रूड ऑयल खरीदने में। और सुने सुने धीरे धीरे क्या हो रहा है? क्रूड ऑयल पर बैरल महंगा होता जा रहा है, ठीक है। अब तीसरा, अच्छा, ये ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन बहुत जरूरी है। बिना जॉब के कितनी भी अच्छी बातें कर लो, बात नहीं बनती। सप्तऋषि पर आते हैं। सप्तऋषि ये है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात है, अब तक हम लोग बात करते थे इंक्लूसिव ग्रोथ की, मतलब डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब इस बार के बजट में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? उन्होंने कह दिया, अब नहीं, ग्रोथ ग्रोथ की बात नहीं होगी, अब सीधी बात किसकी होगी? डेवलपमेंट की बात होगी। अब बात होगी विकास की, अब बात वृद्धि की नहीं होगी। उसके बाद होता है रीचिंग द लास्ट माइल। लास्ट माइल का मतलब हमें सबसे आखिरी तक पहुंचना है, आखिरी कॉर्नर तक पहुंचना है। यूथ पावर, वही बार बार आप समझिए, टारगेट कहां हो रहा है? यूथ को बढ़ाना है। फाइनेंशियल सेक्टर्स, फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर एक इतना बड़ा की सेक्टर है या फैक्टर है जो आपके प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है। और बिना फाइनेंस के कोई प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा, कोई प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, एक बात समझिएगा, 2000 तक हम लोगों ने यूएन के एमडीजी को चलाया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को चलाया। वहां पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई। उसके बाद आया एसडीजी, इसको लिखिए आप लोग, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सस्टेनेबिलिटी की बात की गई, धारणा, धारतीयता की बात, धारणा की बात की, क्योंकि धारणीय विकास होना चाहिए। इसमें उन्होंने कहा कि आपके यहां पर ग्रीन इकोनॉमी का कंसेप्ट कितना फल फूल रहा है, ग्रीन बिल्डिंग्स कैसे बन रही है, एनर्जी सेविंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। यूएन के एसडीजी के अकॉर्डिंग एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 पॉइंट हैं। उन 17 पॉइंट में एक पॉइंट है ग्रीन ग्रोथ। आगे है अनलीजिंग द पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या है? अभी वो रियलाइज नहीं हुई है, ग्रोथ रियलाइज नहीं हुई है, लेकिन वो रियलाइज की जा सकती है। पोटेंशियल है आपके अंदर में, पर वो रियलाइज की जाती है। और बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में जो इसके पास पोटेंशियल तो है, बट उचित एनवायरमेंट ना मिलने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट आपके यहां ठीक ठाक है,
तो फिर दूसरी चीज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, अपने आप चीजें गो थ्रू हो जाती है। लास्ट मैंने आप सारी चीजें बता दी, सप्तऋषि। इस बार अगर क्वेश्चन आएगा तो कहीं यहीं से आने वाला है, अमृत काल में सात ऋषि। पहला आप लोग बोलेंगे, अब पहला, दूसरा, तीसरा, और ये पूरा मिलके क्या बना? अमृत काल। सबका साथ। अब यहां पर एग्रीकल्चर का सेक्टर देखते हैं, और एग्रीकल्चर का सेक्टर क्या है? सर आ गए क्या? अरे मैं नहीं करता यार, मुझे नहीं आता। मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही होगी, सभी महाविद्यालयों में। तो हम जैसा कि अभी सर आप लोगों को सर बजट पढ़ा रहे थे, अब आदरणीय कलेक्टर सर आने वाले हैं, तो हम आप लोगों को नई लिंक शेयर कर रहे हैं। आप लोग उस लिंक से सभी ज्वाइन हो जाइएगा, सभी ध्यान से सुनिएगा। हाँ, किसी को भी कोई प्रश्न पूछना हो तो आपके संबंधित कॉलेज के नोडल अधिकारी हैं, आप उनसे बता दीजिएगा, वो लाइव चैट में आपका प्रश्न भेज देंगे या आपके ग्रुप में आपका प्रश्न भेज देंगे, ठीक है? तो जो भी प्रश्न आपको सर से करना हो तो आप उसमें भेज दीजिएगा। मुझे लगता है सभी कॉलेज में मेरी आवाज़ आ रही होगी, आप मुझे सुन पा रहे होंगे। तो हम दूसरी लिंक भेज रहे हैं, आप सभी लोग क्लास में बने रहिए। तो हम अभी दूसरी लिंक भेजते हैं, उससे आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है? ओके।